नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला किया है और इसी के संदर्भ में जो ऐलान किया गया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है सैलरी की बढ़ोतरी के संदर्भ में, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान और इन कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ गई है। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है तो इसी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, इससे पहले केंद्र सरकार ने शिक्षकों, महाविद्यालय के रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर समेत कई अन्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने शिक्षक, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर्स और महाविद्यालय तथा कॉलेज में तैनात परीक्षा नियंत्रकों को मिलने वाले भत्ते को पुनः संशोधित करने का फैसला किया है। इन सभी के भत्तों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत संशोधित किया जाएगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इसके तहत केंद्र की तरफ से पोषित डीम्ड यूनिवर्सिटी भी तैनात कर्मचारियों के भी वेतन को संशोधित किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, ऐसी संभावना है कि इससे 30,000 कर्मचारियों को फायदा पहुँचेगा। वही डीम यूनिवर्सिटी के 5,500 कर्मचारियों को भी फायदा पहुँचेगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि याद दिला दे कि इससे पहले मंत्रालय ने सरकारी और वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति दे दी थी, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से लगभग 17 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था इन कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ोतरी के संदर्भ में, तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना, जिसके तहत शिक्षकों, महाविद्यालय के रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर समेत कई अन्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान सरकार ने किया है और इन कर्मचारियों की जो सैलरी है तो वो भी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको और इस वीडियो को बाकी कर्मचारियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है इन कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी के संदर्भ में, तो इसकी जानकारी बाकी कर्मचारियों को भी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।